हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, देखो आज मैं कौन सी तस्वीर लेकर आई हूँ आपके लिए। सुंदर है ना, कितनी हरी भरी। देखो पीछे देखो, हरी हरी हरियाली भरी तस्वीर है ना। यह है फसल एकदम तैयार है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फसल की कटाई चल रही है। और देखो ये सभी कितने खुश हैं। यह लड़की देखो कैसे झूम रही है खुशी के कारण। सभी बहुत खुश हैं, नई फसल जो तैयार है। बच्चों, जब खुशी का मौका होता है तो क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना। तो क्या नई फसल तैयार होने पर भी उत्सव मनाया जाता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नई फसल तैयार होने पर भी उत्सव मनाया जा सकता है? बताओ। फसल तैयार होने पर भी उत्सव मनाया जाता है। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं फसल तैयार होने पर, पता है आपको? पोंगल, संक्रांति, ये क्या है, ये त्योहारों के नाम है जो फसल तैयार होने पर मनाए जाते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम ऐसे ही त्योहार के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे नई फसल के त्योहार पोंगल के बारे में। देखो बच्चों, यहाँ पर किसान और उसका परिवार क्या कर रहे हैं, नई फसल की कटाई में लगे हैं। आपको पता है किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। वह बहुत परिश्रम करता है लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। क्यों थिरक उठते हैं बताओ? वह खुश जो हो जाता है। जब आप खुश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नाचने गाने लगते हैं ना। उसी तरह जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब किसान का भी मन करता है नाचने गाने को। वह भी बहुत खुश होता है, इसीलिए उसके पांव थिरक उठते हैं। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। मैंने आपको बताया था ना, जब नई फसल तैयार हो गई और जब कोई ज्यादा खुश होता है तो क्या होता है, उत्सव मनाया जाता है और त्योहारों का जन्म होता है। त्योहार मनाए जाते हैं। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। बच्चों, पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है और क्या होता है, और गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है, उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। मीठा भात क्या होता है बच्चों? मीठा भात होता है मीठे चावल। संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं मीठे चावल और सूर्य देव को, सूर्य भगवान को चढ़ाए जाते हैं भोग के रूप में। आगे जानते हैं बच्चों, इस मीठे भात को पोंगल कहते हैं। मतलब जो मीठे चावल होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है।
तो बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोंगल त्योहार का नाम पोंगल कैसे पड़ा तो क्या बताएंगे? क्योंकि इस दिन मीठा भात बनाया जाता है और उस मीठे भात को पोंगल कहते हैं, उसी से इस त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। और बच्चों देखो, पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। कौन सा? भोगी का त्योहार। पोंगल के पहले दिन पूरे घर की सफाई की जाती है। दिवाली पर भी तो सफाई करते हैं ना, घर की दुकानों की अच्छे से सफाई करते हैं। बच्चों, इस त्योहार में भी पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन, देखो बच्चों, यहाँ पहले दिन की बात की ना, पहले दिन क्या होता है? पहले दिन भोगी का त्योहार मनाते हैं। अब दूसरे दिन, पोंगल के दूसरे दिन होता है क्या? घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। अब देखो, अब ये मत सोचना पोंगल मतलब त्योहार पकाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, पोंगल क्या? मीठा भात, मीठे चावल। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल मतलब मीठे चावल पकाए जाते हैं। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस कर आंच में टपक पड़ता है। मतलब क्या? मीठे चावल की बात हो रही है, ठीक है? मीठे चावल को क्या कहते हैं? पोंगल। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। क्या क्या चिल्लाते हैं खुशी से? पोंगल पोंगल। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। देखो बच्चों, अब ये बात किसकी थी? ये थी दूसरे दिन की। अब हम बात करेंगे तीसरे दिन की। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है ना। 2 दिन की तो हमने बात कर ली, अब बात आई तीसरे दिन की। तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। कौन सा? माटू पोंगल। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है, उनके सींगों को रंगते हैं और क्या होता है? देखो, उससे पहले इस चित्र को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इस चित्र में ये बच्ची और ये औरत, हाथ में क्या है? देखो, ये गुड़ रखा है और यहाँ देखो कुछ मीठी चीज रखी है। और यहाँ कौन है? यह बैल है जो कि नई तैयार फसल को लेकर आ रहा है। बैलगाड़ी पर क्या रखी है? नई तैयार फसल रखी है, कटी हुई। अब बच्चों, हम बात कर रहे थे ना कि गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है और उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। ये तो था क्या? तीसरे दिन। तीसरे दिन माटू पोंगल ऐसे मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे चौथे दिन की। चौथे दिन बच्चों क्या मनाया जाता है? चौथे दिन काणुम पोंगल मनाया जाता है। देखो, तीसरे दिन माटू पोंगल और चौथे दिन काणुम पोंगल। अब काणुम पोंगल कैसे मनाया जाता है?
कानूम पोंगल मनाया जाता है। देखो बात करते हैं उसके बारे में। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। खेतों से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। बच्चों आप भी किस नाम से मनाते हो बताओ? मकर संक्रांति के नाम से। देखो उत्तर भारत में, आप कौन से भारत में रहते हो पता है ना आपको? आप बच्चों उत्तर भारत में रहते हो, हरियाणा उत्तर भारत में आता है, ठीक है? तो उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और खिलाते भी हैं, ठीक है? खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। और देखो बच्चों यहाँ इस चित्र में देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये शायद इनकी माँ है ना, अपनी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ यहाँ इन कटोरियों में क्या है, रंग है ना, और रंग से ये रंगोली बना रहे हैं। यह किस दिन करते हैं रंगोली? दूसरे दिन, पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली पोंगल के दूसरे दिन बनाई जाती है, ठीक है? समझ आया? तो बच्चों देखा कितना अच्छा त्योहार है, चार दिन मनाया जाता है और चारों दिन अलग अलग तरीकों से अलग अलग नाम से यह त्योहार मनाया जाता है। देखो पहले दिन तो क्या, भोगी का त्योहार, ठीक है? दूसरे दिन रंगोली से सजाते हैं, तीसरे दिन माटू पोंगल, चौथे दिन कानूम पोंगल। अच्छा लगा ना बच्चों यह है पाठ पढ़कर? मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इस पोंगल त्योहार के बारे में जानकर। बहुत ही अच्छे से और मजे से मनाते हैं ये लोग पोंगल। आप भी तो मजे से ही मनाते हो ना त्योहार? जब दिवाली का त्योहार होता है उत्तर भारत में क्या होता है, कई दिन पहले घरों में सफाई करने लग जाते हैं लोग, है ना? दिवाली के लिए सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं, सजावट का, खुद से भी हैंडमेड चीजें बनाने लग जाते हैं। मैंने भी आपको सिखाई थी ना दिवाली पर सजावट के लिए बहुत सी चीजें बनाने, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएंगी आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यह पाठ आपकी चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, पाठ 7 है यह आपकी पाठ्य पुस्तक का। देखा मैम ने पाठ भी पढ़ा दिया और आपको पता भी नहीं लगा कि यह तो आपकी पाठ्य पुस्तक का ही पाठ है, पाठ 7 पोंगल। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं इसका अभ्यास आपको करा दूंगी और आपको बाकी पाठ की वीडियोस देखनी है और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ बच्चों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।